हेलो किरण सुनो, वहाँ की कॉफी से बोर हो गए हो, आज चाय पियेंगे। ये क्या किरण, मैंने आवाज दी तो भाग गए वहाँ से। तुमने मुझे बुलाया? हाँ। किसी ने आवाज सुनी? नहीं तो। आवाज नहीं सुनी? किरण रुको, कब से चला रही थी मैं। पर मारू नाम तो सूर्या छे। तुमने कहा था किरण है। वो तो कल था। तुम्हारा नाम क्या है? भानुमती। अगर तुम भानुमती हो तो मैं सूर्या हूँ। इतनी छोटी बात पर कंफ्यूज क्यों होती हो? अच्छा ये सारा कंफ्यूजन छोड़ो, मेरे पैसे दे दो, मुझे पापा को देने हैं। ठीक है बैठो फिर बात करते हैं। लो बैठ गई, पर जल्दी से पैसे दे दो। हाँ अगर पापा ने मेरा पर्स चेक कर लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पैसे नहीं मिले तो वो मुझे मार डालेंगे। जाका? मार डालेंगे? हाँ, तुमने ऐसे पापा नहीं देखे होंगे, मेरे नहीं हिटलर के पापा हैं। वैसे ये हिटलर काम क्या करता है? जॉब करते हैं। मम्मी भी जॉब करती है? एक्चुअली हम तीनों जॉब करते हैं। अच्छा, इतना पैसा कमा के क्या ताजमहल खरीदोगे? मेरे पापा कहते हैं कि इंसान को पैदा होने से लेकर मरते दम तक पैसे कमाने चाहिए। ही इज अ वर्कहोलिक। मेरे पापा की जितनी तारीफ करूंगा मैं। ज्यादा तारीफ मत करो, बस बता दो। शारदा, आई जी, क्या हुआ? क्या है ये सब? चावल में चमचा, सब्जी में चमचा, दाल में चमचा, सूप में चमचा, ये घर है या होटल? ढाबे से लाई। कुछ सीखो, किस तरह घर का राशन बचाते हैं। अगर चावल चम्मच से लेते हो तो घी कैसे लेते हो? और बचे हुए चावल का क्या करते हो? नींबू मिला के उसे ब्रेकफास्ट में खाते हैं। फर्श पर चावल गिरे तो उसे भी चाटते हो क्या? चश्मा क्यों पहना है? बल्ब फ्यूज है? फ्यूज नहीं है, लेकिन एक दिन आंखें ठीक है तो चश्मा क्यों? चश्मा पहनकर आंटी दिखोगी तो कोई लफंगा छेड़ेगा नहीं। माँ, कंजूस हिटलर तो पूरा साइको लगे छे। मैंने तो अपने बारे में सब बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। पापा कहते हैं आवारा लोग बिल्कुल निकम्मे होते हैं, तुम कोई ठीक ठाक सा जॉब क्यों नहीं कर लेते? जॉब है ना, इसका होटल है, ये एस्टेट एजेंट है, ये शेयर्स में और ये ट्रेवल्स में। और तुम क्या काम करते हो? इन सबको बिजनेस आइडियाज देता हूँ, कंसल्टेंसी फर्म है। ये एक बिजनेस करते हैं लेकिन मैं चार चार बिजनेस करता हूँ। अगर क्लियरली बताऊँ तो बिना कोई काम किए काफी बिजी। घंटी बजी तो ये वाइब्रेट मोड पे की चली गई। हेलो आनो, कहाँ हो तुम? सर, ऑफिस की टॉयलेट में हूँ सर, 5 मिनट में आ रही हूँ। जल्दी आओ। ठीक है। इतनी टेंशन में क्यों? मेरा बॉस है, टॉर्चर करता है। डिटेल में बताओ। भानुमती जी, कम इन। सर आपने बुलाया? हमने बुलाया और तुम दौड़ी चली आई है ना। अब जाओ। फिर आती हूँ सर। यस। भानुमती सर, वो क्लाइंट को मेल भेजना है। कर देती हूँ सर। दोनों का काम है ना, इसलिए साथ में भेजते हैं ना, प्लीज। ओके सर। अकाउंटेंट से लेकर प्यून तक का काम वो मुझसे करवाता है, दिन रात फोन करता है, मैं कहाँ हूँ, क्या खाना खाया, क्या ड्रेस पहनी, रात के सपनों के बारे में भी पूछता है। ऑफिस का काम मुझसे घर पर भी करवाता है, पर क्या कर सकती हूँ, मैं वर्कहोलिक हूँ ना, काम तो करना ही पड़ेगा मुझे। वर्कहोलिक नहीं, तुम पे चांस मार रहा है। चांस कैसे मारते हैं? क्या लड़की है, चांस मारने का मतलब नहीं पता, पूरी आंटी छे। जॉब नहीं छोड़ सकती, पापा कभी परमिशन नहीं देंगे, बॉस से भी नहीं कह सकती कि फोन ना करे, नाराज हो गए तो नौकरी से निकाल देंगे। मेरे प्रॉब्लम का कोई सलूशन है तुम्हारे पास? फ्री में एडवाइस नहीं मांग रही हूँ तुमसे, पूरे 11 रुपए दूंगी तुम्हें। पूरे 11 रुपए? हाँ। नहीं रहने दो, इतना ब्लैक मनी साथ में रखूंगा तो इनकम टैक्स वाले रेड मारेंगे, इसे चैरिटी में दे दे। यानी फ्री में दोगे? बताओ जल्दी। भानु, आज तो मैं अपने दिल का हाल सुना कर ही रहूंगा। सर। भानु, आपके लिए एक सरप्राइज है। ये तो मुझसे भी ज्यादा उतावली निकली। ये क्या है? मेरी शादी का इनविटेशन सर। कौन है ये मेरा साथ, क्या करता है? फिलहाल तो जेल में है सर। जेलर है या क्रिमिनल है? वो क्रिमिनल जेलर है सर। इससे शादी करने वाली हो तो ये जॉब छोड़नी होगी। यू आर डिसमिस्ड। देखा।